सुप्रभात। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता, तुल्यता। जहाँ पर उपमेय के उपमान से किसी समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय अर्थात जो प्रस्तुत जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान अप्रस्तुत जिससे उपमा दी जाए। साधारण धर्म उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले सादृश्यवाचक शब्द। एक उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में उपमेय मन, उपमान पीपर पात, साधारण धर्म डोला या डोलना, वाचक शब्द सरिस समान, अतः उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अरुण सरोरुह कर चरण द्रग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदर शरद काहि न करत आनंद। इस उदाहरण में शरद ऋतु में सुंदरी का, कमल में हाथ पैरों का, खंजन में आंखों का और चंद्रमा में मुख का भेद रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ चरण उपमेय और कमल उपमान है, तो चरण में कमल का आरोप होने कारण अर्थ बनता है कमल रूपी चरण, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पीत पट में आतप प्रभात तथा सलोने गात में नीलमणि की संभावना व्यक्त की गई है और मनो वाचक शब्द ही प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ सामान्य अंतर होते हैं जैसे उपमा और उत्प्रेक्षा। तो उपमा में उपमेय की उपमान से समानता होती है और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। धन्यवाद। संदेह अलंकार। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ नारी और सारी साड़ी में संदेह बना रहता है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचारी प्रविषन लगे नाग सुंद में ब्याल, ताहूकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने का भ्रम हुआ, वो क्रिया कर बैठा और दिल में घुसने लगा। हाथी को भी उसमें गन्ने का भ्रम हुआ, उसने उसे गन्ना समझकर उठा लिया। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान और संदेह
के विषय में कुछ सामान्य जानकारियां। संदेह में उपमेय में उपमान का संदेह रहता है, जैसे रस्सी है या सांप। लेकिन भ्रांतिमान में उपमेय का ज्ञान नहीं होता, भ्रमवश एक को दूसरा समझ लिया जाता है, जैसे रस्सी नहीं सांप है। एक अन्य उदाहरण देखिएगा, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो यहाँ पर लाल एड़ी उपमेय महावर उपमान में लाल रंग की समानता के कारण नाइन को भ्रम हो गया है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.